तो आज से आपके लिए कोशिश करूंगी अपनी वीडियोस अच्छे से बना पाने की। अब आप लोग सोचेंगे इतनी प्यारी थाली किसने लगा के दे दी हमें, आपको वीडियो में बताएंगे। और आज थोड़ी सी वीडियो शूट भी करेंगे क्योंकि बहुत हो गया, 2 दिन से ऐसे ही जैसा तैसा वीडियोस डाल डाल के मैं बोर हो चुकी थी और मेरे व्यूअर्स भी तो बोर हो गए होंगे ना। और लेकिन फिर भी पता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ जिसमें कि कोई खास मैंने कुछ ना तो एफर्ट लगाया है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बट सभी ने इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, सभी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, यही चीज़ तो चाहिए था। और इतने पे ही मैं मोटिवेट होके अभी दवाइयाँ ली हूँ। वैसे तो मेरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है और मुझे पता है थोड़ी देर में जैसे ही पसीना छूटना स्टार्ट होएगा ना, बुखार उतरना स्टार्ट होएगा, तो मैं रजाई तान के लेट जाऊँगी। तो उससे पहले पहले मैंने कहा कि मेरी वीडियोस बना दो, और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इयररिंग्स बना के रखी हुई थी तो थोड़ा सा इजी हो गया कि मुझे बस पहन के अपनी वीडियोस निकालनी थी और कुछ रेसिपी के लिए अपनी क्लिप लेनी थी। तो ये सब कुछ हमने ट्राई कर लिया। और इधर ना कई दिनों से हालत, मतलब कई दिनों से तबीयत ऐसे था, ठंड बढ़ा ऑब्वियसली और काम का लोड भी बढ़ा हुआ था, बच्चे हैं घर का काम है, तो मैं सोची ना कि बच्चों की मालिश कर दूंगी टाइम से, बच्चे बच्चे रहेंगे, हम लोग ये कर लेंगे ऐसे कर लेंगे अपना काम, कभी ये सोची नहीं कि अपना भी तो ध्यान दे लूँ। और बस वही हुआ, मैं मुझे पकड़ा ठंड और ऐसे ही ठंड में जैसे तैसे लगी रहती थी पूरे दिन, और मुझे जैसे ही पकड़ा ठंड, बस उसके बाद क्या था, मेरे सारे किए कराए मेहनत पे पानी फिर गया। मैंने अपने बच्चों का इतना ध्यान दिया, सब लोग कमेंट दे रहे थे आप इतना ध्यान देते हो, तेल लगाते हो, ये करते हो वो करते हो, बस लो फिर मुझे पकड़ा नहीं कि सब बच्चों को भी सबको पकड़ लिया ठंड, और मुझे वायरल फीवर हुआ ना, बस मेरे से इन लोगों को भी हो गया। अब 2 इयररिंग्स तो मैंने बना के रखे थे, ये सारे आज कंप्लीट अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अब आज मुझे बनाना पड़ेगा। लेकिन आज देखूँगी शाम में थोड़ा तबीयत ठीक होएगा ना, तो मुझे वीडियो कैसे भी करके क्राफ्ट वाले करने पड़ेंगे। देखो इस साड़ी पे मैंने ना नग लगाए थे बिल्कुल सीधी सीधी धारियों में, तो बहुत पहले लगाया था मैंने ये इस तरह से, पहले भी ऐसे ही बैठ के ये सब फ्री टाइम में किया करती थी। और इस साड़ी पर पूरा लेसेस भी मैंने ही लगाई थी। और ये देखो डब्बा आ रखा है, लेकिन चलते हैं पहले बच्चों को ना थोड़ा सा तेल, मालिश तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ अभी शरीर गर्म पानी से पोंछ के और थोड़ा सा तेल ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगा देंगे, और क्योंकि ऐसा दादी लोग कहती है कि बुखार में मालिश नहीं करना चाहिए, बाकी मुझे इतना पता नहीं है, बस जो सुनी सुनाई बात है, मैं किसी को सजेशंस नहीं दूंगी, सुनी सुनाई बात पर बस मैं अपने तो वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उसको फॉलो करना। बस थोड़ा धूप ऊप लगा लिया बच्चों को, नीचे आई तो थाली निकाली उसमें से डब्बे में से, तो इसमें था कड़ी, था एक आलू की सब्जी थी और रोटियाँ इतनी पतली पतली थी एकदम कागज़ की जैसी, और चावल था। तो अब ये हुआ ना कि रोटियां खाने वाले हम लोग सब लोग थे और चावल के डब्बे सब में एक एक डब्बा करके 4 डब्बे में चावल था, 2 डब्बा इसलिए आया था क्योंकि पापा रोटी ज़्यादा खाते हैं ना, तो 2 डब्बे की रोटी हमने पापा को दे दी। और हमारे वाले में रोटियां कम पड़ी ना, तो पतिदेव ने चावल चावल खा लिया, और ये रही मैं सो गई थी दवाइयाँ खा के, मैं वो सो के उठी हूँ, मेरा चेहरा एकदम सूज चुका है। और मैं अभी सोच रही थी कि क्राफ्ट करूँ, लेकिन हमें ना कि कुकिंग की भी वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, और हमारे ना बहुत सारे सामान किचन में है जो ख़त्म है, तो वो भी लाने हैं, तो चलेंगे 10 से 12 हज़ार तक तो हमारी ना इधर इलाज तिलाज में ही खर्चा हो चुका है। तो कल नहीं परसों पापा ने ना 1000 रुपये दिया था, तो अब उसमें इलाज तो नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा था कि उसका चलो किचन के जो सामान हमें लेने हैं ना वो ले लेंगे। और हम लोग एक दूसरे का बुखार पूरे दिन ऐसे ही चेक करते रहते हैं, मैंने शॉर्ट्स में पूछा भी है, बताइएगा सारा खर्चा तो हमने अपना खुद से इलाज कर लिया, लेकिन क्या 1000 रुपये पतिदेव मना कर रहे थे लेने से, मैंने लेकर सही किया कि नहीं किया, वो आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगा कि ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया कि एटलीस्ट रेसिपीज़ वाली और सारी वीडियोज़ के लिए कुछ चीज़ें ले आएंगे। तो चलते हैं, मेरा फेस एकदम सूज चुका है, और अभी हमें अनमोल को भी दिखाना है, तो उसका भी पूरा जांच वाँच होगा, तो चलते हैं। अब मेरे वाले रिपोर्ट्स भी ले ले रही हूँ उनको बताने के लिए कि कल मैं आई थी, अनकनिका आई थी और आज अनमोल, हमारे एक दिन और मेरा सारा जांच हुआ था, वो सब फालतू में हुआ, उस दिन हमारे अच्छे खासे फालतू के खर्चे हो गए, मतलब तबीयत ख़राब होता नहीं है कि अनशन खर्चे हो ही जाते हैं, बट ठीक है, अच्छा है, मेरी आदत अब, मेरे और पतिदेव की आदत हमेशा कुछ सेविंग्स रखने की, और आज काम भी आया तो ठीक है।
और यहाँ हम लोग नंबर लगा के बैठे हुए थे, और मेरे पतिदेव को ना सबसे ज़्यादा ये लगता है पता नहीं आज नेहा ने व्लॉग बनाया है कि नहीं, तो वो मेरी व्लॉग ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। और सच में पता है वो यहाँ नहीं रहते थे ना, तो मुझे व्लॉग्स की दिक्कत आती थी, पता नहीं मैं कहीं कहीं फिर बनाती रहती थी बैठ के, तो वो निकाल देते वीडियोस। ट्राईपॉड लगाओ, वीडियो बनाओ, मेहनत लग जाता है, अकेले करने में नहीं हो पाता है, तो वो बना दे रहे थे। और यहाँ पे पता है मेरा जहाँ पे ना ब्लड टेस्ट हुआ था ना, तो अनमोल ने वहाँ पे जो वो जो रहते हैं ना टेस्ट करने वाले, उनसे जाके बोलता है मेरी मम्मी का दो, वापस दो जो लिया है आपने, तो वो बोले ठीक है मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तो अनमोल बोले नहीं नहीं मैं भी लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ये जो फर्स्ट डे हम लोग जाँच कराने आए थे ना तब की बात है। और यहाँ अनमोल को भी दिखाया हमने, डॉक्टर ने फिर हमारी भी पूछी कि तुम लोग कैसे हो, कल तो तुम धड़धड़ा रही थी, अब तबीयत ठीक है। मैंने कहा कल से कुछ ठीक है। और ये अनमोल ही तो डर रहा था, अनमोल से उन्होंने पूछा क्या है, तो अनमोल ने कहा ना कि आचू आचू हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा और क्या दिक्कत है, तो बोलता है रुमाल ढूंढना पड़ता है बार बार। तो मैंने कहा इसको बुखार भी है सुबह से। तो चलिए ये देखिए, फिर हम लोग आ गए थे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि रेसिपीज तो इतने खास बन नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा ना कि सामान रहेगा ना तो झटपट में कुछ भी बन जाएगा। तो पिज़्ज़ा बर्गर का सामान था और कुछ कुछ राशन की मूँगफलियाँ वगैरह ये सब चीज़ें थी, वो हमने ले लिया यहाँ से। और खाना तो अभी बाहर से आएगा रात का भी, तो चलते हैं घर। और थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों के साथ रेस्ट कहीं हो पाता है, और बच्चों में थोड़ा लगेंगे, बच्चों को पूरी रात नींद नहीं आ रही है और मेरी भी वही हालत है। आज सुबह ही हम लोग एक दो घंटे इधर उधर बचा बचा के पता नहीं कैसे आँख लग जाता है, और आज सारे वीडियो सारे लेट हुए होंगे मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग उसी तरह से दे रहे हो प्यार एंड सपोर्ट, तो अच्छा लग रहा है। चलिए रात का डब्बा भी खोल ही लेते हैं, क्या आया है रात के डब्बे में। तो दिन की ना कुछ चीज़ें बची रह गई थी, और हाँ मेरे आवाज़ को ना बिल्कुल इग्नोर करिएगा, मेरा आवाज़ एकदम ख़राब हो रखा है, और अभी एक दो दिन लगता है, दो तीन दिन शायद ऐसे ही रहेगा, बट कोई बात नहीं। और मेरी वीडियोस बिल्कुल जाएंगे, आप लोगों को इंतज़ार रहता है, और सभी प्यार एंड सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो वीडियोज़ तो जाएंगे। और मेरा गला, बट कोई बात नहीं, रात में भी चावल आ गया है, बट आज हमने ना चावल देने से मना करवा दिया है कि हमें तो रोटियां ही खानी है इस वजह से। और इधर कल पापा का भी मेरे फ़ोन आया था, वो बोले तुम्हारे तो आवाज़ एकदम बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ, फिर उनको बताया कि तबीयत सबकी ख़राब है, तो फिर ज़्यादा देर बात नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा चलो ध्यान रखो सब एक दूसरे का, और दूर से कोई क्या ही बोल सकता है। तो ये दाल है, बैंगन का सब्जी है, चावल है एंड रोटियां हैं। और बच्चों में कनिका के लिए सरल किया है, मैंने साड़ी पहन के वीडियोस क्यों बनाए, क्योंकि ना कल बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप तो हमें ना हंसते हुए देखने में अच्छे लगते, वैसे बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, क्या हो गया आपको, और ध्यान दो अपना। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपको हंसती हुई ही दिखूंगी पूरी वीडियोज में, और मतलब तबीयत से क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, लाइफ तो इन्जॉय करते रहना चाहिए और हमेशा हैप्पी हैप्पी ही रहना चाहिए, है ना। तो लेकिन हमारा बिल फट गया पता है, मैंने कहाँ सोचा था ना मंडोर के लिए ना, हमने मैंने सेविंग्स एक्चुअल में ना मंडोर के लिए किए करके रखा था, जब डीजे से रांची में थे ना तब से ही मैं उनको बोलती थी कि हम लोग ना दिसंबर लास्ट में चलेंगे कहीं घूमने, तो मैंने इकट्ठे सारा हम लोगों ने ना रखा हुआ था प्लान, तो हमने सोचा था वीडियोस भी अच्छे अच्छे बनेंगे, आप लोगों को दिखलाएंगे और मिलेंगे भी कुछ सब्सक्राइबर्स से, तो ऐसे करके। बट वो तो कहते हैं ना, जो हम लोग तो अपनी प्लानिंग कर रहे होते, लेकिन एक्चुअल में प्लान करने वाला तो ऊपर वाला होता है, वो सारी प्लानिंग्स कर रखा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस तुम कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट मंथ चलेंगे, मौका मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे, तो और ज़रूर चलेंगे, क्योंकि पता है मैं सभी को देख रही हूँ न्यू ईयर पे सभी घूम रहे यहाँ वहाँ, और हम इसे पता है बार बार डीजे से रास्ते में भी जा रहे हैं ना, तो बार बार यही बोल रहे हैं ये इतना तो तुमने इधर ही बीमारी में खर्चा करवा दिया, कहाँ सोचे थे यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, वीडियोस बनाएंगे ये करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस बनेंगे, लोगों को पसंद आएगा, सभी लोग कमेंट देंगे, और सारा मैंने ना रायता फैला दिया।
मेरे को ही वायरल फीवर सबसे पहले पकड़ा। मैं इनको हमेशा, कई दिनों से आपने व्लॉग में सुना होगा, मैं कह रही थी कि एक हेल्पर रख लेते हैं एटलीस्ट पानी वाले काम के लिए, जिससे कि ना सारे काम थोड़े आसानी से हो पाए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बट इन्होंने माना ही नहीं, तो बस जितने में तुम हेल्पर रखते हैं उससे ज़्यादा का चूना लग गया। और मेन, सबसे मेन चीज़ ये है ना कि काम इंसान कर लेता है, लेकिन जब ठंडी एकदम पीक पे हो ना, तो इंसान को हालत ख़राब कर देता है। वो अभी यही हुआ, अभी अचानक से ठंडी इतना बढ़ा ना, काम तो इतना कंटिन्यू डेली रहता था, हमेशा से रहता था, लेकिन अभी जो ठंडी बढ़ा ना बीच में, एक बार आपने देखा होगा, एक बार और मेरा ऐसे ही हुआ था, उस वक्त गर्मी था तब हुआ था और फिर अभी हुआ, तो उस वक्त खैर अलग प्रॉब्लम थी, इस बार अलग प्रॉब्लम है। तो ये तो हो ही जाता है, मौसम चेंज होता है तो कोई बात नहीं, सभी के लाइफ में होता है ना, हम लोग प्लानिंग करते हैं कुछ तो वैसा होता थोड़ी है। तो ये रहा हमारी थाली, और पापा ने बोल दिया है कि अब रोटी ही देने के लिए, और इतने दिन से पता है ढो ढो के ला रहे थे, फिर आधा अधूरा आता था, रोटी लेके आते फिर सब्जी घर पे बनाते, फिर ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। उससे अच्छा कि हमने कहा पापा से ना कि हम लोग थक गए हैं, हालत डीजे सर की भी तब बुखार हो गया था, तो फिर हमने डीजे सर ने ही कहा कि पापा खाना थाली ऑर्डर वो बुक कर दो, डब्बा आ जाएगा, कंडीशन नहीं है अब बार बार दौड़ने की, तो फिर पापा ने ये बुक कर दिया। तो चलिए खाते हैं खाना और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ ऐसे स्माइल करते हुए। और बस आप लोग भी ठंडा है, केयर करो एक दूसरे का, ध्यान रखो।